Hi friends, this is Navid Patel. A very warm welcome to all of you. Last video में हमने discuss किया था blood and blood composition के बारे में. उसमें हमने काफी detail में समझा था कि blood कैसा होता है. Okay, तो आज हम इस video में जानेंगे blood groups. Okay, और blood groups ये जो term है, इससे हम सभी familiar हैं. हमने कहीं ना कहीं हमारे daily routine में कहीं ना कहीं इसको सुनी लेते हैं. ओके तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं. ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट्स से. ओके जो कि ये जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए. ओके तो देयर आर फोर मेन ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड. एज यूजुअल सभी को पता होगा ए बी एंड ओ टाइप्स. ओके और इसके अलावा भी वहां पर दो टाइप्स और होती है जिसे हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव. ओके तो अगर कभी हम ये पूरे मिलाकर मतलब कई बार सुना है हमने एबी पॉजिटिव बी पॉजिटिव. ओके एबी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव इसी तरह से सारे सारे नेगेटिव आएंगे तो कुल मिला के टोटल ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे कितने हो जाते हैं 8. ओके और एबी ओ ब्लड ग्रुप वर डिस्कवर्ड बाय कार लैंड स्टाइनर इन 1900. ओके तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसको डिस्कवर करने वाले कार्ल लैंड स्टाइनर थे और उनको 1930 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. और उसके बाद एबी ये जो ब्लड ग्रुप है इसको डिस्कवर करने वाले डिकैस्टेलो एंड उनके कलीग्स थे जो कि इन्होंने 1902 में इसको डिस्कवर किया था. ओके तो जो ये जो ब्लड ग्रुप है ये दो टाइप्स के मतलब उसको दो टाइप्स के होते हैं ए बी एंड आर एच. अभी कैसे होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग. ओके तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एक किस तरह से होती है अब हम वो जानने की कोशिश करेंगे. तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग तो ये सबसे पहले बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी. ये आरबीसी पर सबसे पहले एंटीजन क्या है ये समझ लेते हैं आप. एंटीजन एंटीजन अ केमिकल दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स उसको कहते हैं हम एंटीजन. एंटीजन वो क्या है एक टाइप का केमिकल है जो कि आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है उससे हम कहेंगे एंटीजन. अब एंटीजन आप फॉरेन पार्टिकल्स को भी कह सकते हैं. एंटीजन वो सारी चीजें को कह सकते हैं हम कि जो आपके बॉडी में जाने के बाद में इम्यून रिस्पॉन्स करवा दे उसे कहेंगे हम एंटीजन. ओके और एंटीजन दो टाइप्स की होती है ए एंड बी. ये दो टाइप की क्या होंगी आपके बॉडी में एंटीजन होगा. ओके और इसके प्रेजेंस और अब्सेंस पर और ये प्रेजेंस कहाँ होंगी प्रेजेंट और अब्सेंस आपकी होंगी आरबीसी पर. ओके इज दैट क्लियर. देन आफ्टर सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन द एंटीबॉडी. ठीक उसी तरह से जिस तरह के आपकी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंस और अब्सेंस होती है एंटीजन ठीक उसी तरह से आपकी जो प्लाज्मा है वो भी कंटेन करता है क्या एंटीबॉडीज. क्या करता है एंटीबॉडी. अब एंटीबॉडी क्या एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि प्रोड्यूस होता है आपके अगेंस्ट द एंटीजन. ओके तो यहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन. एंटीबॉडी किसे कहेंगे हम एक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि आपके एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. ओके और ये कहां पे होगा आपके प्लाज्मा में. तो ठीक उसी तरह से आपका जो आरबीसी है आरबीसी पर क्या प्रेजेंट रहेगा एंटीजन रहेगा और आपके प्लाज्मा में क्या रहेगा एंटीबॉडी रहेगा. अब ये एंटीजन क्या है जो कि आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है उसे कहेंगे हम एंटीजन. और प्लाज्मा ये एंटीबॉडी क्या है एक टाइप का प्रोटीन है जो कि किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुई है आपके एंटीजन के रिस्पॉन्स में. ओके ये चीज समझ गई. अब उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप. अब एंटीजन प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर आपके फोर ब्लड ग्रुप बनते हैं जैसा कि ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप. ओके तो आप ये चीज समझ लेगा अगर कभी आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ये सपोज ये आपका आरबीसी है ये सिर्फ आपके इस सरफेस पर कौन सा एंटीजन रहेगा ऑब्वियसली ए रहेगा.
अगर कभी आपका ब्लड ग्रुप ए है सॉरी बी है तो आपके जो आरबीसी है उसके सरफेस पर एंटीजन आपका बी रहेगा, ए बी है तो दोनों भी रहेंगे, और ओ रहा तो वहां पर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, ना ही ए रहेगा और ना ही बी रहेगा। ओके, तो इसके बेसिस पर आपके एंटीजन के बेसिस पर या फिर एंटीबॉडीज के बेसिस पर आपके ब्लड ग्रुप हो गए। ओके, और ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। ये क्यों कहा जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ अ डोनर केयरफुली मैच्ड विद द विथ अ ब्लड रेसिपिएंट बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अ क्लंपिंग। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं हम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड देना, उसे कहेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो जब भी आप ब्लड देते हो मतलब किसी रेसिपिएंट को, तो पहले डोनर का और रेसिपिएंट का ये ब्लड ग्रुप को मैच करवाना जरूरी है। अगर इफ कभी आप नहीं करवाते हो, अगर वो ब्लड मैच नहीं होता है, तो आपको सीवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्लंपिंग। क्लंपिंग का मतलब बोलते हैं हम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, और अगर इसको अवॉइड करना है आपको, तो आपको सबसे पहले ब्लड ग्रुप जो है वो केयरफुली मैच करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप उसको ब्लड ग्रुप दे सकते हो। ओके, तो एक टेबल है जिससे हम ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी देखेंगे इसमें। तो ये जो आपका टेबल है ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, तो ब्लड ग्रुप कितने हैं, ए बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन द आरबीसी, एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा एंड डोनर ग्रुप। मैं आपको फास्ट वे में इसको थोड़ा एक्सप्लेन समझा देता हूँ। ब्लड ग्रुप जो है ए, ऑब्वियसली बात है एंटीजन उसके आरबीसी पे ए ही रहेगा, मैंने अभी आपको बताया, बट एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा वो बिल्कुल कैसा होगा, अपोजिट होगा। ओके, यहाँ पे एंटी ए, अगर कभी सपोज एंटी मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पर एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में बी प्रेजेंट रहेंगी, और ये जो है डोनर इससे कौन से ग्रुप है, ए एंड ओ, ये दोनों ब्लड ग्रुप इसे दे सकते हैं। ओके, उसी तरह से बी ए बी एंड ओ, अब ये तो एंटीजन का आपको समझ ही गया होगा कि अगर बी रहता है तो बी रहेगा, ए बी रहता है तो ए बी रहेगा, ओ रहा तो नील रहेगा। ओके, मतलब जीरो। एंटीबॉडी बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा, अगर ए है तो एंटी बी रहेगा, एंटी बी है तो एंटी ए रहेगा, ए बी रहा तो नील रहेगा और ओ रहा तो एंटी ए एंड बी रहेगा। उसी तरह से आपका एंटी ब्लड ग्रुप बी जो है उसे ब्लड ग्रुप बी एंड ओ लग सकता है, मतलब दे सकता है उसे, ए बी रहा तो उसे ए बी ए बी एंड ओ, ये चारों भी ब्लड ग्रुप उसे उसको ब्लड ग्रुप लग सकते हैं उसको, मतलब उसको दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। अगर ओ की बात करें तो एंटी ए बी मतलब सॉरी उसे सिर्फ ब्लड जो डोनर है वो ओ ही रहेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल ब्लड ग्रुप उसे यहाँ पे ए बी भी है, ए बी है, बी बी है एंड ओ भी है, तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ। ओके, और यहाँ पे ओ देख सकते हैं आप, चारों में भी आपको ब्लड ग्रुप ओ नजर आएगा, इसका मतलब ये चारों को भी दे सकता है, इसीलिए ये क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बाद में अब हम देखेंगे आर एच ग्रुपिंग के बारे में, आर एच ग्रुपिंग कैसी होती है। तो आर एच, ये इसको आर एच इसीलिए बोला जाता है कि एक रहसस, ये एक मंकी था जो कि सबसे पहले उसी के बॉडी में डिस्कवर्ड हुआ है, इसीलिए इसे आर एच कहा जाता है। ओके, तो ये भी एक अनदर एंटीजन है जो कि आपके आरबीसी के सरफेस पर देखा जाता है। अगर कभी आरबीसी पर अगर कभी प्रेजेंट रहता है तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा वो आर एच निगेटिव मतलब सॉरी अगर कभी प्रेजेंट होता है, सपोज ये आपका आरबीसी है और उसके ऊपर ये आर एच प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव होगा। ओके, अगर कभी एब्सेंट रहता है तो ये क्या होगा, आर एच निगेटिव होगा। ओके, समझ आ गया पूरा। और इसमें एक बात, ये 80% ह्यूमन के आरबीसीज पर देखा जाता है। ओके, तो जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इसका भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि आर एच निगेटिव है या आर एच पॉजिटिव। अगर कभी हमने आर एच पॉजिटिव को आर एच निगेटिव का ब्लड चला दिया तो आर एच जो पॉजिटिव जो है वो उसके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर भी सेम थिंग होंगी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, तो एक आर एच इनकॉम्पेटेबिलिटी, ये एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं मिसमैचिंग। तो ये इसके ऊपर नीट में काफ़ी हद तक सवाल क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है आज के वीडियोस के हिसाब से। तो ओके, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आर एच पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे आर एच पॉजिटिव पर्सन एंड आर एच निगेटिव पर्सन की। ओके, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ली गई थी, एग्जाम्पल कि आर एच निगेटिव वाली एक क्या मतलब आर एच निगेटिव वो ब्लड है आपके मदर का और उसका जो फिटस जो फिटस है उसका वो क्या होगा मतलब उसका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप होगा आपका आर एच पॉजिटिव।
ओके ना जी समझी कि अब एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि जैसे ही मतलब अब Rh निगेटिव वाली वो क्या होता है, वो मदर का ब्लड होता है और Rh पॉजिटिव फिटस का ब्लड है. ओके तो उस टाइम क्या होता है, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस वक्त जब आपका मतलब डिलीवरी का टाइम होता है उस वक्त जो बेबी का जो प्लासेंटा आता है वहाँ पे एक चांस होता है, कन्फर्म नहीं कि यही होगा करके एक चांस होता है कि जब आप प्लासेंटा कट करते हो उस वक्त थोड़ा सा जो ब्लड होता है वो आपके मदर के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आता है. इतना चीज़ क्लियर है. अब जैसे कॉन्टैक्ट में आया तो जो मदर का जो ब्लड होता है वो Rh पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. समझ में आया. फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि जस्ट वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे भी एक चांस होता है, कंफर्म नहीं है कि वो ये चीज़ होएंगी ही करके, मगर जैसे ही उन्होंने प्लासेंटा कट किया तो कुछ चांस होता है वहाँ पे कि जो बेबी का जो ब्लड होता है, फिटस का जो ब्लड होता है वो कॉन्टैक्ट में आएगा मदर के. उस वक्त जैसे ही मदर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो मदर का जो ब्लड है वो प्रोड्यूस करेगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज. ओके फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जैसे ही सेकेंड प्रेगनेंसी आती है, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी वो भी जो फिटस होगा वो भी क्या होगा, Rh पॉजिटिव होगा. उस वक्त आपके जो एंटीबॉडीज होती है वो थ्रू द प्लासेंटा बॉडी में अंदर एंटर करेंगी फिटस के और उसके सारे RBCs को डिस्ट्रक्ट कर देंगी और वहीं पे चाइल्ड की क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. अंडरस्टैंड, समझा. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, आपका जैसे प्लासेंटा कट किया था वहाँ पे एक चांस बता रहा हूँ मैं आपको कि कुछ ब्लड जो होगा बेबी का वो मिक्स होगा विद द मदर के ब्लड में वो मिक्स होगा. ओके और प्रेगनेंसी में जैसे ही फिटस कंडीशन तैयार होती है उस टाइम आपका जो मदर जो होती है उसने ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर चुकी होती है. उस वक्त एंटीबॉडीज थ्रू द प्लासेंटा बेबी के बॉडी में मतलब फिटस के बॉडी में एंटर करेंगी और उसके सारे RBCs को डिस्ट्रक्ट कर देंगी और बेबी की डेथ हो जाएंगी और उस कंडीशन को हम कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इरेथ्रो का मतलब होता है आपके यहाँ पे देखो, इरेथ्रो का मतलब होता है RBC, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट और फेटालिस का मतलब होता है फिटस. ओके तो ये जितना था सारी की सारी चीज़ें इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में थी. ओके आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. अगर कभी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके टू अवॉइड दिस, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए द Anti-Rh एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है मदर को इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी. ओके दिस ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप एंड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.